अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों आज आपको एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस जो सऊदी अरब के मक्का से लगभग 70 किलोमीटर दूर तायफ शहर में, ये तायफ शहर में वो जगह है जिस जगह पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से तायफ आए थे, और तायफ की वो जगह है जहां पर इनको इनके ऊपर पत्थर चलाया गया था, और वो जिस जगह पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर आराम फरमाए थे वो ये मस्जिद, तारीखी मस्जिद है जिसको कंतारा मस्जिद या मस्जिद अल मदून कहते हैं। यहाँ पर इस मस्जिद के सहन में आप शामिल होंगे। ये सामने जो पत्थर देख रहे हैं, इसी जगह पे बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ये सहन में ही मौजूद है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर सामने एक बोर्ड लगाया गया है जिस बोर्ड में इस बात को क्लियर किया गया है कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी हदीस से बात साबित नहीं हुई होती है, जहाँ पर ये बात पता चले कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आराम फरमाया था। लेकिन ये बात जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, जो तायफ शहर के रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर थोड़ी देर आराम फरमाया था।